close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So hey guys, welcome back to my YouTube channel Right to Pride. तो यार कैसे आप सभी लोग, आई बिलीव आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्यारी धन्नो के ऊपर। ये है जिक्सर SF150 जो कि आज से लगभग 2 साल पहले मैंने वाली बाइक को परचेज़ करा था अक्टूबर 2019 में। तो इस बाइक के ऊपर आज मैं आपको अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि यार इस बाइक पर मैंने काफ़ी सारी राइड्स भी करी हैं जो कि ऑफ कैमरा थी, लेकिन जो ऑन कैमरा है मैंने एक राइड करी है जो कि आपको मेरे चैनल पर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो उस वाले प्लेलिस्ट को भी एक बार प्लीज़ चेकआउट करिएगा। बहुत बढ़िया राइड थी, विद पिलियन गया था। तो इस बाइक के बारे में आपको अच्छे से रिव्यू देने वाला हूँ। तो यार सबसे पहली, जब भी हम एक बाइक परचेज़ करते हैं ओनरशिप रिव्यू के ऊपर, आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि सबसे पहली चीज़ आती है कि मैंने यही बाइक क्यों परचेज़ करी। सब बंदों का ये होता है कि यार हमें अगर 150 cc में बाइक लेनी है, अगर हमें बाइक भी लेनी है, कॉलेज गोइंग बंदा है, ऑफिस गोइंग बंदा है, लेकिन वो बाइक कौन सी परचेज़ करें। तो यहाँ पर मैंने इस बाइक को इसलिए फ़ाइनल करा क्योंकि पहली चीज़ मेरे को बाकी बाइकों से थोड़ा यूनिक चाहिए था, एक लुक थोड़ा यूनिक मिल जाए और मेरे को पावर भी अच्छी खासी डिलीवर हो जाए और मेरे को माइलेज भी चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई दिल्ली में जो पेट्रोल के रेट चल रहे हैं बहुत हाई हैं, तो माइलेज को भी देख के चलना पड़ता है। तो इस बाइक इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 150 सेक्शन में हमारे को एक तो मिल जाती है हमारी R15 जो कि भाई बहुत डिमांडिंग बाइक है, दूसरी आ जाती है बजाज की पल्सर RS 200 फेयरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस बाइक को परचेज़ करा क्योंकि आप देखेंगे R15 उसकी जो बैक पिलियन सीट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, एक तो बहुत छोटी है और पतली सी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सीट मिल जाती है हमारे को, इसकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी है उस सीट से, और इसकी राइडर सीट भी जो है वो भी कुशनिंग और बड़ी साइज़ की है। राइडर सीट आपको R15 में भी बड़ी मिलती है, लेकिन पिलियन सीट में तो भाई जो उसके पीछे बैठता है ना उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ कि भाई एक याली बाइक को अगर हम फ्रंट से देखते हैं बेसिकली, तो आप देख सकते हैं याली बाइक जो ब्रॉड लगती है इतना, और इसका आगे का जो ये पूरा LED का सेटअप दिया हुआ है, इसके अंदर सारी लाइट जितनी भी हैं इस बाइक के अंदर सारा LED सेटअप के साथ आती है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको हेलोजन मिलती हैं जो कि एक तो इस बॉडी से इतने बाहर आ जाते हैं जो कि किसी भी राइडर को पसंद नहीं है। तो इसके ऊपर एक मॉडिफिकेशन की वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी काफ़ी जल्दी से, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई इस बाइक के टायर प्रोफाइल के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको जो पीछे का टायर मिलता है, एक तो 150 सेक्शन में बहुत ब्रॉड टायर है, 140 सेक्शन का आपको टायर मिलता है, और अगर हम आगे वाले की बात करें तो 100 सेक्शन का आपको आगे का टायर मिलता है, 17 इंच के दोनों टायर हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको राइडिंग में आपको हेल्प मिलती है इन टायर से, ब्रॉड टायर से, जिस वजह से आप बाइक को लीन वगैरह करते हो तब भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, ना ही मेरे को आज तक आया है, और मैं इस बाइक को फुल बढ़िया तरीके से चलाता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये वाली बाइक मैंने जो परचेज़ करी थी वो कितने में करी थी। भाई उस समय 2019 अक्टूबर का जो इसका ऑन रोड प्राइस था वो था 1,31,000। आज की डेट में इसका BS6 आ चुका है, ये BS4 है, तो BS6 में आपको जो अभी का जो ऑन रोड प्राइस चल रहा है वो है 1,56,000 के अराउंड। अरे भाई ये कहाँ से आ गया? ओ भाई देखो अभी चल रहा है बाइक का रिव्यू, आपका रिव्यू बाद में करेंगे, अभी आप साइड में जाओ, चले जाओ मेरे भाई, चले जाओ, शूट कर लें दो, जाओ जाओ जाओ। ओ भाई माफ़ कर दे, फिर मत आइयो, पीछे रहियो, कट कट। तो यार वो बीच में थोड़ी सी ऐड आ गई थी हमारी वीडियो में, वैसे तो ऐड आ नहीं रही, मोनेटाइज नहीं है, तो हम ऐसे नकली की ऐडें ले आते हैं जो कि भगवान भेज देते हैं। तो हम अब बात करते हैं यार इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। तो आप अगर आ जाओ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, आप देखेंगे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव है जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे इसका स्पीड पता चल जाती है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर, यहाँ पे हमारा ओडोमीटर जो कि 22,000 किलोमीटर में इसको रन कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका ट्रिप 1 ट्रिप 2, यहाँ पे हमारे को टाइम मिल जाता है, ऊपर RPM मिल जाता है, इधर फ्यूल रेट मिल जाती है, यहाँ पे सारे के सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ये अभी हाई बीम पर है, ये लो बीम हो गया, यहाँ पे इंडिकेटर हम यहाँ का चलाएंगे तो ये चलेगा, वहाँ का चलाएंगे तो वो चलेगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और इसी के साथ साथ इसका जो हमारे को टैंक मिल जाता है, जो टैंक है इसका 12 लीटर का टैंक है यार, और आई बिलीव कि जो इसकी एवरेज है, अभी तक मैंने नोट तो नहीं करी है इसकी एवरेज की, ये बाइक मेरे को कितने की एवरेज दे रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये 40-50 की एवरेज दे रही है। बाकी अगर आप बोलोगे तो चैनल पर पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस बाइक की एवरेज के ऊपर कि 1 लीटर में कितना चलेगी। तो
और इसके बाद हम जाते हैं भाई, इसकी जो सीट कंफर्टेबल के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, तो मेरी जो हाइट है वो अराउंड 5'9" है। इस पर मैं आराम से इजीली बैठ पाता हूँ, मेरे पैर वगैरह बिल्कुल इजीली नीचे टच हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे दोनों के दोनों पैर नीचे पूरे फ्लैट हैं। तो अगर यार कोई बंदा अगर छोटी हाइट का भी है तो वो भी इस बाइक को आराम से परचेज कर सकता है, जिसकी हाइट अराउंड 5'4" 5'5" भी होगी तो वो भी आराम से इस बाइक को ईजिली राइड कर पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके राइडर पॉस्चर के बारे में, जो कि R15 जो इसकी सिबलिंग है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैठना पड़ता है, बिल्कुल हम पीछे बिल्कुल स्पोर्टी लुक आ जाता है। लेकिन इस बाइक के अंदर क्या है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के लंबी से लंबी राइड हम बिल्कुल ईजिली हम कर सकते हैं, कोई भी हमें इशू नहीं आएगा। उसके बाद यार बाकी तुम्हारा भाई तो है ही मज, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना जिसने वैसे चैनल सब्सक्राइब ना करो। बाकी अभी बात करते हैं बाइक के बारे में। तो गाइस अभी तक हमने आपको बताया कि इस बाइक के अंदर हमारे को कंपनी क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रही है और इस बाइक से हम कितना खुश हैं, क्यों परचेज़ करी, सारी चीज़ें आपको बता दी। अब बात आती है कि अगर ये 22,000 किलोमीटर बाइक चली है तो ऑब्वियसली बात है इस 2 साल में इसने मुझे दुख भी दिए होंगे थोड़े बहुत, तो उन दुखों की बात कर लेते हैं। यार देखो, जब भी बाइक चलती है तो कुछ चीज़ें तो होती हैं जो हम चेंज करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि आपके इसके डिस्क पैड हो गए, ठीक है, और इसको जो चेन होती है हम लुब्रिकेंट करते हैं, तो वही चीज़ इसकी अभी तक चेंज हुई है, जो कि है इसका चेन सेट, जो कि 22,000 किलोमीटर चलने के बाद आई डोंट बिलीव कि यार ये कोई मोटा खर्चा है। अगर आप 22,000 किलोमीटर अगर कोई चीज़ को ड्राइव कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ये छोटे मोटे खर्चे तो आपको उठाने पड़ेंगे भाई, मशीन है चलाओगे खर्चे उठाओगे, तो ये कोई मोटा खर्चा नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे भी यार सुजुकी जो है बहुत लो मेंटेनेंस बाइक है, इसके अंदर जो सर्विस कॉस्ट वगैरह होती है वो भी आराम से, यार मेरी बाइक जो है 150 cc की बाइक है, 1,000-1,200 रुपये में आराम से मस्त सर्विस हो जाती है, बढ़िया ऑयल के साथ, फुली सिंथेटिक वाले के साथ, तो बहुत लो मेंटेनेंस बाइक है। चैन सेट चेंज हुआ था 1,350 रुपये विद लेबर, और बाकी बाइकों को चेंज करवाने जाओ ना भाई 4,000-4,000 रुपये का चैन सेट आता है सिर्फ, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ कि मैं इस बाइक को परचेज़ करने के बाद कितना खुश हूँ और कितना ना खुश हूँ, तो यार मैं आपको रिव्यू में देखने का पता चल ही गया होगा कि इस बाइक ने मुझे बहुत साथ दिया है और आगे भी इस बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइड्स आने वाली हैं। हमारा अभी प्लान बना हुआ है मार्च में जाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वाली राइड्स की वीडियो भी मिलती जाएँ टाइम टू टाइम। और इस बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशंस बहुत कुछ आने वाला है, बाकी अगर आप कमेंट करते हो फ्यूल वाला तो जैसे मैंने आपको बताया उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी मज़ेदार सी वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ राइड, बाय बाय।